यूपी के रामपुर में आज ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की टीम ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा भाजपा के लोगों हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम करने पर अब उतर हो गए है। चुनाव आते ही भाजपा अब सोशल मीडिया के जरिए जहरीले बयान देकर और साजिश रच कर बदनाम करने में लगी है। आज हिंदू और मुस्लिम सिख सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, परंतु भाजपा के लोग नफरतें पैदा करने में लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन प्रेस को ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश में हमारे हिंदू भाइयों को लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी एक ओछी गंदी राजनीति की शुरुआत कर रही है और हमेशा से वो एक गंदी राजनीति पर चलकर ही इन्होंने ये सरकार बनाई है। एक बार फिर जब चुनाव करीब आए हैं तो इन्होंने हमारे देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिशें की हैं और ये साबित भी हो चुका है। बहुत सारी वीडियो वायरल हो चुकी हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ आ चुका है और देख लीजिएगा कि कौन लोग हैं उसके पीछे। मुसलमानों का नाम रख करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके हमारे मुसलमान भाइयों को बदनाम किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन पूरे सूबे के अंदर पूरे देश में इसके लिए खिलाफ अभियान चलाएगी और इस बात को वादा करना चाहेगी कि मुसलमानों से नफरत करना छोड़ दो, मुसलमान अमन का गहवारा, अमन और प्यार से रहने के लिए इस हिंदुस्तान में काम कर रहा है, अपने मदारिसों के अंदर अच्छी तालीम दे रहा है, सद्भावना बढ़ाने की बात कर रहा है। हमारे बीच चुन्ना भाई रतनपुरा शिवाली के इन्होंने सन 1992 में एक मंदिर भी तामीर कराया था। हम तो चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित करो आप लोग। कुछ शरपसंद लोगों ने अभी मस्जिद के अंदर कलाम पाक को फाड़ा, उसको जलाया और गंदी जगह पर डाल दिया। उसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के सारे लोग यहाँ इकट्ठा है, मदरसे और खानकाओं के जिम्मेदार भी यहाँ मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर तुरंत एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, उन्हें गिरफ्तार करे। आतंकी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका कोई ईमान नहीं होता, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान नहीं होता। ये आतंकवादी लोग जो हैं इनका कोई मजहब नहीं, इस्लाम ने कभी भी किसी का कत्ल करने को नहीं कहा गया। इस्लाम ने तो ये कहा है कि एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। ठीक, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो चाहे किसी भी गुट का हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, हम उसकी कोई हिमायत करने वाली बात नहीं।